जय माता दी। दोस्तों, कल शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। इस दिन माँ भगवती की ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। माता के इस रूप को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। माँ के इस रूप में उनके दाहिने हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल विद्यमान है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए माँ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, इस कारण ही इनका नाम तपश्चारिणी या ब्रह्मचारिणी पड़ा। विद्यार्थियों को माँ के इस रूप का अवश्य आराधना करनी चाहिए, क्योंकि इसके करने से विद्यार्थी अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करते हैं। अब इनकी पूजा कैसे की जाती है ये जानते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को पीले फूल अति प्रिय है, अतः इन्हें गुड़हल या कमल के पीले फूल अवश्य अर्पित करें तथा केसर या मिठाई और केले का भोग अवश्य लगाएं। ऐसा करने से विद्यार्थियों का मन स्थिर होकर पढ़ाई में लगता है और गलत विचार नहीं आते। अब जानते हैं एक उपाय। इस दिन रात्रि 8 से 11 के बीच स्नान करके अपने आप को शुद्ध करें, फिर पीले या सफ़ेद कपड़े पहनकर कुशा का पीला आसन बिछाकर बैठ जाएं। इसके बाद विद्यार्थी अपने ध्यान को स्वाधिष्ठान चक्र पर केंद्रित करके ओम एम नमः मंत्र का 1100 बार सफ़ेद स्फटिक या तुलसी की माला से जप करें। ऐसा करने से विद्यार्थी के जीवन में आने वाली सभी समस्या समाप्त होती है तथा अच्छे करियर बनाने में सहायता मिलती है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।